रेडियो। अरे आज की तारीख में चाय मिल जाएगी क्या? ना दूध ना काटूं, ऐसी ले आऊं काली बना के। दूध क्या शाम तक काटेगी क्या? सुबह 4 बजे से लग रही है दूध काटने में। तुझे तो कोई काम धाम है ना, मुझे तो काम धंधे में जाना है। आहा, सारा काम तुम ही तो करते हो ना, मैं तो सारा दिन यहाँ पे पड़ी सोती रहती हूँ। अरे भगवान, चाय पिलाती है तो पिला दे, नहीं तो हम चले। मैं कब मना कर रही हूँ चाय पिलाने को, लेकिन थोड़ा सबर तो रखो। हाँ जी, कर लिया सबर, हम तो 25 साल से सबर ही करते आ रहे हैं। तुम माँ बेटे ताना देना बंद करोगे या नहीं? पहले वो ताना देती थी, अब उनकी जगह तुमने ले ली है। भाई इस घर में तो बोलना ही बेकार है। तो फिर बोलते ही क्यों हो? अच्छा ऐसा कर, सुई लिया और मेरा मुंह सिल दे, ना मुंह खुलेगा ना मैं बोल लूंगा। जब देखो बड़बड़ बड़बड़। हाँ हाँ, चाय भी अपनी तरह गर्म ही लाई है। जालिम, क्या बोला आपने? कुछ भी तो नहीं। ये जो मनी मन में कोसते रहते हो ना मुझे, मैं ये सब समझती हूँ। अब चाय पीने देगी या नहीं? मैंने कौन सा तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, पियो। अरे सुन, तेरा लाडला उठ गया या अब तक सो ही रहा है? वो आपकी तरह नहीं है, जो 7 बजे तक सोता रहेगा वो मेरा बेटा है, 5 बजे उठ जाता है। तो 5 बजे उठ के तेरा लाल जाता कहाँ है? दौड़ने गया है, और कहाँ जाएगा? पता नहीं मेरे ससुर किसके पीछे दौड़ रहा होगा। सुरेश जल्दी भाग, तेरे पीछे वारा। मनोज जल्दी। अबे तू से भग नहीं गया? सालो तुम हंस लो, तुम दोस्त कहते हो अपने आपको? क्यों बेटे, निकल गई सारी एकड़ी, इसीलिए बोलता हूँ मेरे से शर्त मत लगाया कर तू। ठीक है मनोज, एक दिन मैं तुझे हरा के रहूंगा और उस दिन मैं शर्त में पैसे नहीं लगाऊ। क्यों? अरे अब तक मैं 5,000 रुपए हार चुका हूँ इस महाराज के चक्कर में। तू क्या अकेला हारा है, मैं भी तो आ रहा हूँ तेरे साथ। अरे तेरे तो बापू की सरकारी नौकरी, तू तो 5,000 के 10,000 भी हार जाएगा। ओए लड़ना बंद करो तुम दोनों। मेरे ससुरे, ये लो अपने पैसे और आगे से नहीं दूंगा वापस। ले हद रख ले तू। तुम दोनों का हिसाब हो गया हो तो चलें। चल चल चल।
साले तेरे कर दिए 5,000 रुपए वापस, आगे से शर्त न लगाई है। दोस्त ना है, देगा क्यों ना? साले बहुत तेज भाग गए, क्यों मारे? जब देखो अटकता रहे, सही से नहीं बोल सके तू। तू भी यार बावड़ा हो रहा है साला। अच्छा तो सही कह रहा है भाई। भाभी जान आपको पता है सिपारा क्लास में ना जो रुखसाना है ना वो बहुत मजाक उड़ाती है मेरा। अच्छा भाभी जान एग्जाम भी नजदीक आ गए हैं तो मुझे ना बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब भाई यादव उधर देखो, वो दो ब्लैक बूटी आ रही हैं। ओए ब्लैक बूटी इधर आओ दोनों। जरा पर्दा तो हटाओ, हम भी तो देखें इस पर्दे के पीछे कौन है। पर्दे में तेरी माँ है, देखेगा के? ओए मनोज जवान संभाल के, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा मैं तो तेरी धमकी सुन के डर गया यार। देख मनोज मेरे मामले में टांग नाड़ा। वैसे कौन सा ये तेरे रिश्तेदार हैं जो तू इनकी घनी तरफदारी कर रहा है? अरे क्या हुआ, जो रिश्तेदार नहीं है हो जाएंगी रिश्तेदार। और इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। मनोज तूने ये ठीक नहीं किया, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। सस्ती चीजें मनोज को पसंद भी नहीं है बेटे। यादव नाम है मेरा, तुझे देख लूंगा जब दिल करे, जहाँ दिल करे बता दियो, मनोज हाजिर हो जाएगा। यादव नाम है मेरा, यादव तुझे देख लूंगा। चल निकल। देखिए जी इन लोगों की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने तो हमारी मदद की, आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अजी कुछ नहीं हो जाता, अगर मैं नहीं आता तो कोई और आता आप लोगों की मदद करने, पर आता जरूर क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की बहुत इज्जत की जाती है। जी ये बात तो है। अच्छा जी हम लोग चलते हैं। जी बिल्कुल आप आराम से अपने घर जाइए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। माँ, अरे माँ, अरे कहाँ है तू? अरे क्या आफत आ गई, क्यों चिल्लान लाग रहा है? अरे माँ तू छत पे क्या करने लग रही है? बेटा मनोज मैं यहाँ से दिल्ली का इंडिया गेट देख रही हूँ। अरे माँ तू इंडिया गेट और कुतुब मीनार बाद में देख लिए, पहले मुझे कुछ खाने को दे दे आके, बहुत जोर की भूख लग रही है। अरे आ रही हूँ, 2 मिनट सबर तो रख ले। ठीक है माँ, पर तू जल्दी नीचे आ। इन बाप बेटों ने तो मेरी नाक में दम करके रख रखा, बस हथेली पे आम चाहिए। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अगर मेरी माँ ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो तेरे साथ साथ मुझे भी घर से बाहर कर देगी। तू जल्दी यहाँ से चली जा। अरे कहाँ चली जाऊँ, तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे माँ तू वो पर्दे वाली कहाँ गई? कौन पर्दे वाली? अरे अभी जो यहाँ खड़ी थी। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था? हाँ कोई भी नहीं था। तेरा दिमाग खराब हो गया है, जा किसी डॉक्टर को दिखा ले। यार जब से मैंने उसकी आंखें देखी हैं तब से मुझे कुछ हो गया है, पर हुआ क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। ये ले। ये क्या है माँ?
दूध है और क्या है? बस इतना सही। अरे माँ, इसमें तो मुंह भी गीला नहीं होगा। और क्या, तेरे लिए बाल्टी भर के लाऊं? चल चुपचाप पी ले। और सुन, दूध पी के खेतों पर चला जाइयो, तेरे पिताजी तेरी बाट देखते होंगे। अरे माँ, तू भी मुझे घर से भगाने पे ही तुली रहती है। घर में घुसने की देर नहीं होती और तू काम पहले बता दे। हाँ वो तो मैं जानू कि तू कितने खेत जोतते है, सारा दिन आवारा गर्दी करता फिरता है। अब कहाँ चला? अरे खेत पर ना जाऊं? हाँ तो जा खेत पर, लेकिन अकड़ क्यों रहा है? पागल बना रखा है। लगता आज हमारी बीगम साहिबा कुछ ज्यादा ही थक गई है। थकूंगी नहीं, 4 किलोमीटर पैदल चलना आसान बात है क्या? 4 किलोमीटर? अरे बीगम साहिबा क्यों झूठ बोल रही हो, 2 किलोमीटर भी नहीं है ऐसा का ट्यूशन। अच्छा तो एक काम करना, कल से आयशा को तुम खुद से पार क्लास छोड़ने जाना, ठीक है? अरे यार बेगम, तू तो नाराज होगी। अच्छा चल, मान लिया तू 4 किलोमीटर पैदल चल के आई है। मान क्या लिया, 4 किलोमीटर चल कर आई हूँ। अच्छा ठीक है, आराम कर ले फिर। आयशा जी भाईजान। बेटा एक मिनट के लिए इधर आइयो। जी भाईजान। बेटा मेरे लिए एक कप चाय बना दे। भाईजान मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, चाय नमाज पढ़ने के बाद बना दूँ? ठीक है बेटा, तू आराम से नमाज पढ़ ले, चाय तेरी भाभी बना देगी। जी भाईजान। नगमा, ओ मेरी जान नगमा। क्या है? मेरे लिए एक कप चाय बना दे। चाय तो मैं बना दूंगी, पहले जाके गोश्त ले आओ। समीर मियाँ कब से बिरयानी बिरयानी चिल्ला रहे हैं। गोश्त तो मैं ले आऊंगा, यार पहले एक कप चाय तो पिला दे। नहीं पहले जाकर गोश्त ले आओ, उसके बाद मिलेगी चाय। यार बेगम अभी तो अब्दुल मियाँ ने दुकान भी नहीं खोली होगी। तुम जाकर तो देखो, अगर दुकान खुली हो तो गोश्त ले आना, नहीं तो थोड़ी देर अब्दुल मियाँ का इंतजार कर लेना। मुझे तो ऐसा लग रहा है बेगम, समीर मियाँ से ज्यादा तेरा मन कर रहा है बिरयानी खाने का। और सुनो, अब्दुल मियाँ से कहना साफ साफ बोटी डालेंगे। एक काम कर बेगम, तू खुद चली जा लेने। अगर मैं गोश्त लेने जाऊंगी तो आप इस घर में क्या करोगे? बेगम तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है। तो फिर लग क्यों रहे हो मेरे मुंह, चुपचाप गोश्त लेने जाओ ना। हाँ हाँ जा रहा हूँ। अरे मनोज कहाँ था सुबह से, आज खेतों में भी ना आया? पिताजी मैं तो यहीं था। बहन का यहीं का पता नहीं चलता, यहीं था? मुझे तो सुबह से दिखाई नहीं दिया। पिताजी आपने मुझे देखा नहीं? ना मैंने तो देखा नहीं तुझे। पिताजी मुझे लगता है आपकी नजर कमजोर हो गई, कल बाजार जाके चश्मा बनवा लेना अपने लिए। हाँ वो तो बनवाऊंगा ही, मिस्टर इंडिया का बाप जो ठहरा, बिना चश्मे को तो दिखाई नहीं देगा पहलवान। पिताजी इसीलिए मैं आपके पास नहीं लेटता, सुबह शाम चालू ही रहते हो आप। थोड़ी बात कह दी और मुंह फेर के लेट गया। आजकल के बच्चों को तो समझाना ही बेकार है, बोलना ही बेकार है। अरे तू सुबह सुबह आज जा कहाँ रहा है? अरे माँ आज मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, और अगर मेरा यूँ काम हो गया ना तो उसके बाद तुझे घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो तो सब ठीक है मेरे लाल, पर तू कुछ उल्टा सीधा मत कर दियो, वरना तेरा बाप ना तेरे साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देगा। अरे माँ उनका काम है कहना, और हम दोनों का काम है इस कान से सुनना और इससे निकाल देना। मनोज तेरी ये बात ना मेरे समझ में तो आती नहीं। अरे माँ तू ज्यादा परेशान मत हो, जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ेगी ना तुझे सब समझ में आ जाएगा। और सुन, अगर पिताजी पूछे ना तो कह दिए मैं बाग वाले खेत में पानी लगाने गया हूँ। ठीक है पर तू जल्दी लौट आ। अरे माँ मैं यूं गया और यूं आया। दस बज गए और ये हरामखोर अभी तक नहीं आए, पता नहीं साले कहाँ मर रहे हैं। मिल गई फुर्सत तुम दोनों को आने की? अरे मनोज ऐसे कामों में थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। अब तुम दोनों ये बताओ, ऐसे ही आए हो या कुछ खोज खबर भी लाए हो? अरे भाई तू थोड़ा सबर तो राख, हम खोज भी लाए और खबर भी लाए हैं। तो मेरे भाई बताना फिर जल्दी से। सुरेश बताने, हम इसके लिए केक
खबर लाए हैं। मनोज, तू जिस लड़की के प्यार में पागल है ना, उस लड़की का घर हम देख आए हैं। तो चलो फिर उससे मिलने चलते हैं। मिलने तो जरूर चलेंगे भाई, लेकिन ऐसे नहीं, हमें भेष बदल के चलना पड़ेगा। भेष बदलना पड़ेगा? हाँ भाई, ओ, ओ और हम भेष बदलने का सारा सामान इस बैग में लेके आए हैं। सामान भी लायो यार, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया आज। अब मक्खन लगाना बंद कर और चलने की तैयारी कर। के पिना दिया मेरे ससुरों ने, यू के पिना दिया तुम दोनों ने मुझे? बुरखा। कौन सा गुरखा? अरे बावली पूछ, बुरखनी बुरखा बुरखा। यार भाई मुकेश, मेरा तो दम घुट रहा है इस साड़े में, तुम इसे तार दो जल्दी ते। भाई अगर तेजे उस लड़की से मिलना ना, तो यू बुरखे तो तेजे पैर नहीं पड़ेगा। तुम दोनों की पंचायत खत्म हो तो चले। हाँ चल चल। अस्सलाम वालेकुम पंडित जी। अरे पागल तो नहीं हो गए, तू क्या बोल रही है? अस्सलाम वालेकुम बोल रही हूँ पंडित जी। हे राम, सुबह सुबह कहाँ से लोग आते हैं मरने के लिए हमारे पास? जी एक निकाह की तारीख तो बता दे। अरे रुक जा, अरे पंडित रुक जा। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिए मोहतरमा, हमने आप लोगों को पहचाना नहीं, आपको किससे मिलना है? वही सुरेश, क्या नाम है उसका? जी हमें पता नहीं से मिलना है। पता नहीं मोहतरमा, इस नाम का शख्स तो यहाँ कोई नहीं रहता। अबे सुरेश, ये तो बोल रहा है इस नाम का शख्स यहाँ कोई नहीं रहता। अबे घोचू, उसकी बहन के बारे में पूछ। तो साढ़े पहले नहीं बता सके था ऐसा? पागल है क्या? बात कर। तुक्का मार दूं? हाँ हाँ जी, वो मुझे आपकी बहन से मिलना है। अच्छा, तो आप लोग ऐसा से मिलने आए हो? जी हाँ, हम उनकी तीनों सहेलियाँ हैं। अच्छा मोहतरमा, आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ जी फरमाइए। मोहतरमा आपकी आवाज एकदम मर्दों जैसी लगती है। वो क्या है ना, मैं एक मर्द की औलाद हूँ, इसलिए मेरी आवाज मर्दों जैसी है। जी आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं। क्या करें, कभी कभी मजबूरी में करना पड़ जाता है। जी अगर आपकी इजाजत हो तो हम ऐसे से मिल लें। जरूर जरूर, क्यों नहीं, आइए। जी एक काम करो, ऐसा ऊपर के कमरे में है, चले जाओ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ओए मनोज, हम छुपे क्यों हैं? अबे तुमने सुना नहीं उसने क्या बोला? आए अल्लाह, कोई अल्लाह आ रहा है, चुपचाप खड़ा रहे हैं। अरे बावड़ी पूछ, ऐसे तो बोल देख रही हैं। पीछे को घूम, पीछे को। सुनिए जरा। यार सुरेश, ये तो अभी से ही बहू की तरह बुला रही है। जी बोलिए। आप लोग कौन है और ये क्या भेस बना रखा है? जी आपने हमें नहीं पहचाना जो हम सुबह मिले थे। हाँ वो तो ठीक है, पर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? जी वो क्या है ना, हम लोग आपको देखने आए थे। पर आप हमें क्यों देखने आए हैं, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। जी वो क्या है, जब से इस मनोज की आंखों ने आपकी आंखों को देखा है ना, तब से आप ही आप दिखती हो इसे। मतलब? मतलब कि इसकी आंखों को आपसे प्यार हो गया। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, अगर गलती से हमारे भाईजान को पता चल गया ना, तो वो लोग आपको जान से मार देंगे। अरे आपके भाईजान ने ही भेजा है। हे अल्लाह मियां, हम कैसे इन लोगों को समझाए? आयशा जी, भाईजान देखो, भाईजान बुला रहे हैं, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। मनोज अब चल भी यहाँ से, क्या यहीं पे तेरा में करवाएगा? चलो चलो। यार मुकेश, आज तो हम बाल बाल बच गए यार।
हाँ भाई सुरेश, यह बात तो सही कह रहा। अगर गलती से भी उस भाई जान को हमारे बारे में पता चल जाता ना, तो हमारी जान ले लेता। मनोज क्या सोच रहा है यार? यार मैं सोच रहा हूँ, अगर आयशा से मेरी शादी हो गई और अगर किसी दिन उसने मेरे बाप को जान कह दिया तो मेरी माँ तो सचमुच में जान दे देगी। अबे तुम हंस रहे हो और यहाँ मेरी खोपड़ी खराब हो रही है। देख भाई, अब ये सब बातें सोचने का कोई फायदा नहीं है। क्यों यार मनोज? क्योंकि अभी आयशा ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। हाँ वो तो है यार। तो एक काम करते हैं, घर चलते हैं, वैसे भी सुबह से निकले हुए हैं यार। ठीक है फिर घर चलते हैं। चलो यार चलो। अरे कहाँ था सुबह से? पिताजी मैं तो यहीं था। अरे तेरा यहीं का पता नहीं चलता, यहीं था। अब तो मैंने चश्मा भी लगवा लिया, मुझे तो कहीं दिखाई न दिया। पिताजी मुझे ऐसा लगता है आपकी नजर कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई, आप चश्मे की जगह लेंस लगवा लो। लेंस लगवा लूं? हाँ पिताजी, और एक बार लेंस लग गए ना उसके बाद तो आपको रात में भी दिखाई देगा। अच्छा जी? हाँ जी। फिर तो मैं कल ही लगवा लूंगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुन, रोटी खा ली तूने? हाँ खा ली पिताजी। ठीक है फिर सो जा आराम से। ये क्या कर रहा तू? पिताजी आप? हाँ मैं। मुझे लगे है मुझसे ज्यादा लेंस की जरूरत तुझे है। पिताजी मैं वो बेटा मनोज, तेरी वो मुझे समझ में आ गई है। जब छोरे वो करने लगे ना तो उनका ब्याह कर देना चाहिए। वो तो ठीक है पिताजी, पर आप जा कहाँ रहे हो? छत पे जा रहा हूँ सोने। क्यों भाई? तेरे साथ सोना खतरे से खाली नहीं है। अरे तकिया तो ले जाओ। लगा कुछ ज्यादा ही डर गए दिखे। लो भाईजान चाय। भाईजान आप भी चाय ले लीजिए। भाभी चले क्या? आयशा तू सिपार क्लास आज अकेली चली जा, मेरे पेट में सुबह से बहुत दर्द है। जब रोज रोज बिरयानी खाएगी पेट में दर्द नहीं होगा और क्या सर में दर्द होगा? आपको बिरयानी के अलावा कुछ और दिखाई देता है या नहीं? जब देखो तब बिरयानी के ताने मारते रहते। भाभी जान आप दोनों अपनी बिरयानी की लड़ाई बाद में लड़ लेना, पहले जाओ आयशा को छोड़ के आओ। समीर मियां एक काम करे, आप ही छोड़ो। भाभी जान मैंने आयशा के लिए जो जमीन खरीदी थी आज उसकी रजिस्ट्री है, मुझे वहाँ पे जाना है। भाई जान मैं अकेली चली जाऊंगी, आप लोग परेशान मत हो। अरे परेशान कैसे ना हो, रात तो उसके चक्कर में मैं अपने बाप को किस कर लेता। क्या बात कर रहा है यार। हाँ वो तो ये अच्छा था मेरा बाप झगड़ा था, नहीं तो रात को हो जाता कांड।
तो फिर तो तेरे साथ रहने में खतरा है यार। इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी से मेरा उसके साथ टाका भिड़वा दो, नहीं तो किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बता करना क्या है यार? तुम दोनों कैसे भी करके मेरा उससे ब्याह करवा दो, मैं तुम दोनों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो एक काम करते हैं, आयशा के घर दोबारा चलते हैं। अरे घर जाने की क्या जरूरत है, देखो सामने देख वो आ रही है। तुझे कैसे पता वही है? हो सकता है कोई और हो भाई, तजुर्बा है। अरे अभी देख लिए, पास आते आते उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जो उसकी स्पीड बढ़गी तो सोच रहे तेरे वाली है। मुकेश अगर उसकी स्पीड नहीं बढ़ी फिर देख लिए तेरा क्या होगा। अरे स्पीड जरूर बढ़ेगी, देख ले तू। भाई मुकेश स्पीड बढ़ गई। अरे तू इंतजार क्यों कर रहा, जा जाके नु कह दे मैं तेरे से प्यार करूं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे सुनिए आयशा, अरे आयशा, अरे सुन तो सही आयशा, अरे आयशा, अरे मुझे तेरे से एक मिनट बात करनी है। पर हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है बात? हम आपको क्यों बताएं और आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। जब से मैंने तेरी इन खूबसूरत आंखों को देखा है ना, तब से ना भूख लग रही है ना प्यास, और नींद का तो तू पूछे ही मत ना, सारी रात करवट बदलता रहता हूँ तेरी याद में। पर हम आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, और खुदा के लिए हमारा पीछा मत कीजिए। अगर आपसे बात करते हमें किसी ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। अरे देख लेगा तो देख लेंगे, मैं किसी साड़े से डरूं के? आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं तो समझ गया, पर लग रहा है मेरा प्यार तेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या प्यार प्यार की रट लगा रखी है, आप पागल वागल हो गए हैं क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, और मुझे पागल क्या है तेरी इन खूबसूरत आँखों ने। जब से मैंने इन्हें देखा है ना, तब से मेरा दिल 100 की जगह 250 की स्पीड में धड़क रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। मेरा इलाज तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। आपको समझाना ही बेकार है। और हाँ आप हमारा पीछा मत करना। भाईजान भाभी जान क्या बोल के गई है, जरा हमें भी बताना। तुम पागल वागल हो गए हो क्या, ये बोल गई है तुम्हारी भाभी जान? अरे हर लड़की यही बोलती है और फिर प्यार में पागल हो जाती है। वो मेरे 6 फुट के लव गुरु, तू यार अपना ज्ञान देना बंद कर। और के दू भाई? तू कुछ मत दे, चुपचाप मेरे साथ घर चल। चल ठीक है तो चलो। भाईजान गंगाराम को ले आया हूं मैं। गंगाराम चुपचाप इन कागजों पे साइन कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। समीर भाई मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं अपनी जमीन नहीं बेचता। गंगाराम मैंने अपनी बहन को वादा किया है कि मैं ये जमीन उसको तोहफे में दूंगा, इसलिए चुपचाप साइन कर, पैसे ले और निकल। समीर भाई तुम कुछ भी कर लो, मैं इन कागजों पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा। भाईजान मैंने बोला था ना, इस साले लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। गंगाराम मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू इस कागज पे साइन करेगा या नहीं? अब कितनी बार पूछोगे, मेरा जवाब रहेगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। गंगाराम आगे से मेरे जैसे आदमी के लिए मना मत कर दियो। इरशाद जी भाईजान ये ले कागज, इस पे अंगूठा लगवा और इसकी लाश ठिकाने लगा दे। अरे भाई आज तो बहुत जल्दी आ गए। और क्या खेतों पर ही सो जाता? ओ शाबाश, खेतों पे गए थे सुबह से? नहीं आपके लिए बहू ढूंढने गया था। ओ वो तो ढूंढनी पड़ेगी बेटा, तेरी हरकत जो बता रही है, ब्याह लायक हो गया तू। अरे कौन हो गया ब्याह के लायक? और कौन, तेरा लाडला बेटा। अरे अपने बेटे का ब्याह मैं ऐसे थोड़ी ना कर दूंगी, सारा गांव देखता रह जाएगा, ऐसे चांद सी बहू लाऊंगी। अरे माँ तू भी कहाँ पिताजी की बातें सुनने लग रही है, जा हम तीनों के लिए भी रोटी लिया। अभी लाई।
हाँ भाई, तुम दोनों के यहाँ खाना नहीं बनता क्या? चाचा, खाना तो मारे घर पे इतना बने कि हम पूरे गांव को दावत खिला सकते हैं। फिर तुम दोनों अपने घर क्यों नहीं खाते हो? अरे चाचा, यार के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, हमें नहीं पता था भाई। ये लो बेटा खाना। अरे सुनीता, ये क्या कर रही है तू? इन तीनों को तो एक ही थाली में खाना दे दे। इन तीनों को एक साथ खाने में बड़ा मजा आता है। अरे अब ले आई हूँ, खाने दो ना। यार मनोज, तेरा बाप तो बहुत कंजूस है। मुझे पता है, तू चुपचाप रोटी खा ले। पागल है, मरवा देगा। बुढ़ा वाक्य में खड़ूस है बहुत ज्यादा। चुपचाप रोटी खा ले, अगर पता चल गया ना तो जूते उतार के मारेगा। अरे खाओ भी आप। भाई मनोज, क्या सोच रहा है? यार भाई, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी भाभी प्यार कब करेगी। जब तक तुझे मार नहीं लगेगी। क्या बोला बे? भाई मेरा मतलब है, जब तक किसी लड़के की पिटाई नहीं होती तब तक उस लड़की को उसका प्यार समझ में नहीं आता। अरे तू अपना ज्ञान देना बंद कर, मैं अपने आप कर लूंगा जो करना होगा। यार मनोज, इसकी बातों में तो दम है। अगर तेरी एक बार पिटाई हो जाए ना तो आयशा पक्का तेरे से ही प्यार करेगी। वाह सर जी, क्या आइडिया है। अगर तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है फिर। यार तू हमें गलत समझ रहा है। नहीं भाई, आज ही तो मैं तुम दोनों को सही से समझाऊं। भाई हम तो तेरी मदद कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मदद जिसमें मेरी पिटाई हो रही हो। भाई भाई कहाँ चल दिया? अपने घर जा रहा हूँ, देख ली तुम लोगों की यारी, भाग साढ़े। चले आयशा भाभी, वो मैं अब बकरी की तरह मैं करती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? भाभी मैं सोच रही थी कि सिपारा क्लास में अकेले चली जाऊं, आप कहां धूप में परेशान होंगी। अच्छा, तो तुम सिपारा क्लास अकेले जाना चाहती हो? जी भाभी जान। अगर ये बात तुम्हारे भाइयों को पता चल गई ना कि मैंने आज भी तुम्हें सिपारा क्लास अकेले भेजा है, वो लोग मुझे सीधा अल्लाह मियां के हवाले कर देंगे। अरे ऐसा, तुम गई नहीं सिपारा क्लास? बस जा रहे हैं भाईजान। चलो भाभी। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ आज कुछ काम से, चल तुझे छोड़ दूंगा सिपारा क्लास। नहीं भाईजान, हम चले जाएंगे। अरे बेटा मैं उधर ही जा रहा हूँ, तुझे छोड़ दूंगा, आ जा। भाभी जान, मेरा सिपारा ला दीजिए। कहां से आ गया? अच्छा बेटे, मनोज से चालाकी, साले तेरी ये हरकत याद रखूंगा मैं एक दिन। यार मुकेश, दो तीन दिन हो गए, मनोज का आता पता नहीं कहाँ है। मुझे लगता है वो उस दिन की बात दिल
पे ले गया। एक काम करते हैं, उसके घर चल के देखते हैं कहाँ है वो। क्या तो तू सहीरा, चल देखते हैं चल के। अरे सुरेश, मुकेश, अरे घर में कोई है क्या? चाचा तुम यहाँ क्यों? मैं यहाँ आ नहीं सकता क्या? चाचा तुम्हारा ही घर है ये, तुम रोज आओ। अच्छा तुम दोनों ये बताओ, मनोज कहाँ है? चाचा मनोज घर पे ही होगा। घर पे ना आया हो दो दिन से, पता नहीं कहाँ गया। चाचा हमारे पास भी दो दिन से नहीं आया वो। तुम दोनों के पास भी नहीं आया, फिर ये छोरा गया कहाँ? चाचा तुम आराम से घर जाओ, हम उसे ढूंढ के लाते हैं। ठीक है। यार सुरेश कहीं वो आ सके, घर तो नहीं चला गया? इतना बड़ा पागल नहीं है वो जो उसके घर चला जाए अकेला। अरे वो तो पागलों का पागल है, वो तो कुछ भी कर सकता है। एक काम करते हैं, पहले चल के उसे ढूंढते हैं। ठीक है चल चल। भाभी जान, मेरी उंगली दांतों तले आ गई। लगता है कोई बेचारा भूखा है। क्या मतलब भाभी जान? जब उंगली दांतों तले आ जाती है तो उसका मतलब होता है कि कोई भूखा है। ऐसा भी होता है भाभी? हाँ, जान जरूर ऐसा ही होता है। अरे कहाँ से आ रहा है तू, और दो दिन से कहाँ था? अरे बाहर गया था किसी काम से। बाहर गया था तो कम से कम हमें तो बता देता। ठीक है अगली बार से बता के जाऊंगा। बेटा रोटी ले आऊं तेरे लिए? अभी भूख ना है, बाद में खा लूंगा मैं। एक रोटी खा लेता कम से कम। जब बोल दी तुझे भूख ना है तो फिर क्यों पीछे पड़ रही है मेरे? खा लूंगा बाद में। हाँ प्रधानी का टिकट दिलवाते हैं इस बार, कोई बात नहीं। साहब के पीछे, साहब को जब भूख लगेगी तो ऑर्डर दे देंगे। साहब तुम बताओ दो दिन से कहाँ थे? तुम्हें सारी बात बतानी जरूरी है के? हाँ बतानी जरूरी है, ये मेरा घर है होटल नहीं। तुम ही रह लो फिर अपने इस घर में। मनोज अरे सुन तो सही। तो जानते ससुरे को, तुम बिना रात दिन छोरे के पीछे ही पड़े रहते हो। तूने ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा मेरे ससुरे को। हाँ मैंने ही सबको सर पे चढ़ा रखा है। अरे यहाँ क्यों बैठे हो आप? अरे सुना नहीं आपने हमने क्या पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो आप? अरे मेरी मर्जी, मैं कहीं भी बैठूं, तुझे क्या लेना है? आज तो आप गुस्से में भी लग रहे हैं। अच्छा ये बताओ आपने खाना खाया? अरे जब मैं तुझे पसंद ही नहीं हूँ तो ये सब बातें क्यों पूछ रही है तू? आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? अपनी जान से भी ज्यादा। आपको एक बात बताऊं, अगर ये बात हमारे गाँव वालों को पता चल गई ना तो वो लोग आपको जान से मार देंगे। और मैं जैसे सालों को छोड़ दूंगा, मीरपुर का हूँ मैं भी। क्या कर लेंगे आप उनका? एक एक की हड्डियाँ तोड़ दूंगा सालों की। इतनी हिम्मत है आप में? लड़वा के देख लिए, एक थप्पड़ में दो दो गिरेंगे। क्या बात है, डर नहीं लगता आपको? त्यागी हैं हम, डर को भी हमसे डर लगता है। मेरी बहन का रास्ता रोका तूने, चल मार साले को, साले काफिर।
अगर दोबारा मेरी बहन पे नजर डाली तो अल्लाह मियां कसम मार दूंगा। चल चल यहां से, चल तेरी करतूत भाईजान को बताता हूं। मनोज, मनोज भाई क्या हुआ तुझे? किसने किया ये भाई, किसने किया ये सब? भाई एक बार उसका नाम तो बता दे, उसकी फोटो पे हार न छिड़वा दे। मेरा भी नाम मुकेश नहीं। अरे हार छोड़, पहले इसे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ चल चल उठा, चल चल उठा, पकड़ पकड़ संभल के अपना यार है। देखा, हम पूरे गांव में ढूंढ के आए हैं और ये बंदा यहां बैठा हुआ है। चल पूछते हैं चल इससे। और क्या हाल है? ते जी ढूंढ रहे हम तो। भाई तू मेरी बात मान, उस लड़की को भूल जा, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहा है? प्यार करता हूं मैं उससे, ऐसे कैसे भूल जाऊं उसे? पर भाई वो तो तेरे से प्यार नहीं करती। तुझे किसने कहा कि वो मेरे से प्यार नहीं करती? वो मेरे से बहुत प्यार करती है। क्या उस लड़की ने कहा कि वो तेरे से प्यार करती है? नहीं कहा। फिर तुझे कैसे पता कि वो तुझसे प्यार करती है? मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। यार मनोज ये सब फिल्मी बातें हैं, बात को समझने की कोशिश कर, हम तेरे दुश्मन नहीं है। तुम दोनों को अगर मेरा साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उस लड़की के लिए तू हम दोनों का साथ छोड़ देगा? हाँ छोड़ दूंगा। भाई हम साथ देने से मना कब कर रहे, और हमें नु तो चने पता करना क्या है? अब तो बस ब्याह करना है और कुछ नहीं। हाँ, बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे उसके साथ तू जबरदस्ती फेरे ले लेगा। अगर तुम दोनों को मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है ना तो उधर देखो। अरे आप लोग, मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ। अरे क्या हो गया, हमसे क्यों नाराज हो? आप लोग इनको अकेला छोड़ के कहाँ गए थे? अजी हम तो यही थे, यूं हमें छोड़ के चला गया। अब आपकी चोट कैसी है? अब तो ठीक है पहले से। ये लो मैं आपके लिए बना कर लाई हूँ, खा लेना। ठीक है बाय। सुनो आप लोग इनका ख्याल रखना। अब ये मेरा क्या ख्याल रखेंगे, तो तू है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। देख लिया अब तो हो गया भरोसा? भाई मनोज इस स्टीपन को खोल के दे, इसमें क्या है? देखो हलवा। भाई बहुत दिनों से मैंने हलवा नहीं खाया। चल सालो मैं किसी को नहीं खिलाऊंगा, पहले खिलाऊंगा मैं अपनी माँ को। भाई थोड़ा सा खुआ दे हलवा। हम साढ़े तुझे अभी हलवा। अरे क्यों धमका रहा है, सही तो कह रहा है वो। हाँ तू भी सही कह रहा है।
अरे माँ कहाँ है तू? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है तू? अरे माँ तू अंदर क्या कर रही है? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है इसमें? अरे माँ इसमें ऐसी चीज है कि खुशबू से ही तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा तो फिर टिफिन खोल के दिखा, मैं भी तो देखूं क्या है इसमें। ये देख माँ। हलवा? ये कहाँ से लाया तू? आपकी बहू ने दिया है, खा लो। किसने दिया है? अरे माँ इसका मतलब है इसके दोस्त की बहू ने दिया है ये हलवा। क्या नाम है इसके दोस्त का? मनोज। मनोज? अरे माँ इसका मतलब है इसके दोस्त का भी नाम मनोज है। तू इनको छोड़ और हलवा खा के बता कैसा बना। देखने में तो अच्छा लग रहा है, खा के देखती हूँ। भाई हलवा तो बहुत अच्छा बना रखा है। अरे माँ तू चिंता मत कर, आज के बाद तू रोज हलवा ही पूरी खाएगी। और बिरयानी भी और मुर्गे की टांग भी। क्या बोला तू, फिर से बोलियो। अरे माँ तू कहाँ इन पागलों की बात सुनने लग रही है? तू हलवा खा, मैं इन साड़ू को छोड़ के आता हूँ, चलो रे। अरे हलवा तू खुआ दे, अरे हलवा तू खुआ दे। ये ले, तेरे लिए लेके आया हूँ मैं। मनोज तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? मैं ये दुनिया छोड़ सकता हूँ पर तुझे नहीं छोड़ सकता कभी मैं। हमेशा मेरा साथ दोगे ना? मरते दम तक। तुमसे एक बात पूछूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तेरी बात का भी हम बुरा मानेंगे क्या? तुम्हारे घर वाले मुझे अपना लेंगे, कुछ कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा पिताजी? पर यार मुझे नहीं लगता मेरे भाईजान मानेंगे, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो हम दोनों को जान से मार देंगे। अरे मरने से डरती है क्या? मुझे मरना नहीं है, मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना है। अरे साथ तो मुझे भी रहना है तेरे, पर अब तू इन सब बातों को छोड़ और मेरा गिफ्ट दे दे। भाई तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पर आयशा की सगाई हो रही है। अरे तुम दोनों को कोई मिला नहीं क्या सुबह से, जो तुम दोनों मुझे पागल बनाने चले आए हो? भाई हम मजाक नहीं कर रहे, आयशा की सगाई हो रही है। अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भाई हम दोनों सच बोले, अरे जल्दी चल यार। आयशा सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। चाचा को फोन करता हूँ। अरे चाचा को जल्दी फोन मिला। हिलिए मत इकबाल, नहीं तो मुंडी धड़ से अलग कर दूंगा एक ही बार में। अबे कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? मैं कौन हूँ? मैं हूँ तेरा जीजा। मनोज भाईजान की गर्दन से दराती हटा ले वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा मुझे धमकी दे रहा है, चुपचाप वहीं खड़ा रहे नहीं तेरे भाईजान को यहीं हलाल कर दूंगा अभी। समीर तू जानता है इसे? हाँ ये हमारी आयशा को परेशान करता है। परेशान नहीं करता हूँ, प्यार करता हूँ उससे। बकवास बंद कर नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो इतना कहर मचाऊंगा कि तेरे अल्लाह मियां भी नहीं रोक पाएंगे मुझे। मनोज ये तुम क्या कर रहे हो? बोला था ना जान, जब तक जान रहेगी तेरे साथ खड़ा रहूंगा। मनोज तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। परेशान मत हो मेरी जान, तेरे भाईजान तेरे यार का बाल भी नहीं उखाड़ सकते। मनोज उसकी गर्दन से दाती हटा। बाबूजी तुम यहाँ? मनोज चुपचाप यहाँ से घर चल। बाबूजी मैं आयशा के बगैर यहाँ से एक कदम भी नहीं लूंगा। मनोज मैंने तुझे क्या कहा सुनाई नहीं दिया? बाबूजी मैं आयशा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
कैसे नहीं चलेगा, हम देखेंगे तुझे। शर्म नहीं आती? घर चल, तेरी खाल में घुस भरूंगा, पूरे गांव में इज्जत खराब कर रखी है हमारी। ये संभाल अपने लाडले को, बहुत ज्यादा उड़ रहा हूँ। अरे हुआ क्या है? हुआ क्या है, मुसलमानों के घर में घुस गया। कह रहा था आयशा को लिए बगैर नहीं जाऊंगा, वो तो मैं पहुंच गया, नहीं तो काट देते ससुरे को। ऐसे काट देते साले, मैं पूरे गांव को मौत की नींद सुला देता। अरे तूने हमारी जिंदगी क्यों खराब कर रखी है? मैंने कहा जिंदगी खराब कर रखी है? मैं तुम दोनों को एक बात पहले बता दे रहा हूँ, मेरा ब्याह होगा तो सिर्फ आयशा से। देख ली अपने लाडले को, मुसलमान की लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, बहू वो ही बनेगी इस घर की। देख लीजिए कितना जुबान चला रहा हूँ, तेरा आज के बाद इस घर से निकलना बंद। अगर निकल गया तो मैं तेरी दोनों टांग तोड़ के रख दूंगा। टांगे तोड़ो या जान से मार दो, पर मैं आयशा से जरूर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। अरे तो तू अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देता? कहीं तूने उस मुसलमानी से ब्याह तो नहीं कर लिया? हो ही गया समझ ले, बस फेरे की कमी रह रही है। चल चुप कर, अंदर चल। जब जब आवे आँख मेरी भर भर आवे, याद तेरी जब जब आवे आँख मेरी भर भर आवे। तेरी तड़प झड़के सजनी अब नहीं रहा जावे, अब नहीं रहा जावे।
कह बिछाड़ना रब की अच्छी बात ना। बिछाड़ना रब की अच्छी बात ना। सजनी अब नहीं रहा जावे, अब नहीं रहा जावे, याद तेरी जब जब आवे, आँख मेरी भर भर आवे, याद तेरी जब जब आवे, आँख मेरी भर भर आवे, याद तेरी जब जब आवे, आँख मेरी भर भर आवे, याद तेरी जब जब आवे, आँख मेरी भर भर आवे, याद तेरी जब जब आवे, आँख मेरी भर भर आवे। हरामखोर, कहाँ मर गए थे तुम? फोन लगाओ उसे। हेलो मनोज, मैं तुम्हारा खेत पर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। अब क्या करें भाईजान? छुप जाओ उधर, आने दो साले को। हरामखोर, देख उसको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बॉस, आ रहा है। कहाँ है यार? आज तो छोड़ेगा नहीं उसको। मुझे बुला के खुद कहीं छुप गई है। वाह मनोज वाह, ऐसा क्या इंतजार कर रहा है? वो फोन ऐसा ने नहीं, हमने किया था। अबे कभी तो सामने से वार कर लिया करो, सालो जब देखो पीछे से वार करते हो। बोल ले जितना बोलना है, क्योंकि आज के बाद तू बोलने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। तो फिर इंतजार किसका कर रहा है? आजा। मार साले को। आयशा, आयशा, वो तुम्हारे भाई है ना, वो मनोज को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। हाँ, कहाँ पर? रमेश के बाग में। हाँ, हाय अल्लाह। क्या करे, चल चल चाचा को बुला। चाचा के पास चलते हैं। Thank you.
मनोज 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 उठो उठो मनोज। मार डाला मेरे मनोज को तुमने। मिल गया तुमको सुकून। अल्लाह ताला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मनोज उठो मनोज उठो मनोज, कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें, कभी माफ नहीं करेगा मनोज। मनोज तुम्हारे यार हमें छोड़ के चले गया मनोज। अरे मनोज मारे यार हमें छोड़ के चले गया मनोज। ताऊ देख ना तेरे दोस्त बुला रहे हैं, तेरे को दोस्त मनोज उठना। जब जब आवे आँख मेरी भर भर आवे, याद तेरी जब जब आवे आँख मेरी भर भर आवे, तेरी तब झड़के सजनी अब